तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिशिन सोंगहाओ से पूछती है कि उसे चिशी में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है। इस पर वो कहता है कि चिशी हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाती है और हर काम अपने दम पर मेहनत से करती है। वो अपने आप को सभी के सामने स्ट्रांग दिखाती है मगर असल में तो वो उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव है। देन वो चिशी से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसके सामने तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत ना पड़े और तुम मेरे साथ असली चिशी बनकर रहो। जो सुन चिशी तो सोंगहाओ से इम्प्रेस ही हो जाती है लेकिन जुन को उसकी ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो सोंगहाओ को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। अब उसकी ऐसी बातों से तो उसे भी डाउट हो जाता है कि चिशी से शादी करने के पीछे सोंगहाओ का जरूर कोई दूसरा इरादा होगा। इस बारे में उसे पूछने पर सोंगहाओ उससे कहता है कि शायद तू मुझे अच्छी तरह से नहीं जान पाया मगर मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि सही है या नहीं। वहीं तो चिशी के दिल में तो सोंगहाओ की जगह और ज्यादा बढ़ गई है ना, वो तो उसे सच में लाइक करने लगी है। तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अब क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए या नहीं। लिशिन कहती है कि वैसे तो मुझे प्यार व्यार पर भरोसा नहीं है मगर सोंगहाओ को देखकर कुछ गलत तो नहीं लगता और अब तो मुझे भी लगता है कि वो तुम्हें लेकर सीरियस है। तो चिशी उससे पूछती है कि फिर क्या मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए ताकि वो जैसा मेरे लिए फील करता है मैं भी उसे वैसा ही फील करा सकूं। इस पर लिशिन उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए कहती है वो चाहती है कि चिशी हमेशा खुश रहे और उसे उसका ट्रू लव मिल जाए जिससे दोनों खुश होते हैं। तो अब चिशी अपने परफेक्ट फैमिली लाइफ से सिर्फ एक कदम दूर थी जो कि था उसके मॉम डैड को उसकी शादी के बारे में बताना। तो घर लौटकर चिशी अपनी मॉम को कॉल करती है और जैसे ही वो उन्हें शादी के बारे में बताने चाह रही थी तभी दूसरे साइड से उसके डैड मॉम पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, जिससे हमें पता चलता है कि उसके डैड चिशी से किसी वजह से नाराज है। ऊपर से उसके डैड की तबीयत भी खराब थी इसलिए चिशी अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो शुआनशुआन को चेक करने जाती है जहाँ वो दरवाजे के बाहर से देखती है कि शुआनशुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोंगहाओ और चिनचिन के साथ खेल रही थी। तो सोंगहाओ उससे पूछता है कि क्या उसे अंकल के यहाँ पर रहने में अच्छा लग रहा है। शुआनशुआन कहती है हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन उससे पूछते कि क्या तुम्हें अंकल के साथ खेलना पसंद है और क्या तुम अंकल के साथ यहाँ पर रहना चाहती हो। इस पर शुआनशुआन कहती है कि मुझे तो आप सबके साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सब कुछ इसी बाहर से सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो अब उसे सोंगहाओ और थोड़ा ज्यादा पसंद आने लगता है। तभी उसे अपनी ही बात याद आती है जब उसने लिशिन से पूछा था क्या उसे सोंगहाओ को अप्रोच करना चाहिए, तो इसे याद करते हुए वो बहुत ही खुश होकर किचन जाती है जहाँ पर वो डू आंटी से पूछती है सोंगहाओ को क्या चीजें अच्छी लगती है। तो आंटी उसे बताती है कि बेसमेंट में एक बिलियार्ड्स का रूम है जहाँ पर यंग मास्टर हमेशा जाया करते हैं क्योंकि उन्हें बिलियार्ड्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चिशी बेसमेंट में बिलियार्ड्स रूम में चली जाती है जहाँ पर वो सोंगहाओ को खुश करने के लिए बिलियार्ड्स खेलना सीखने लग जाती है लेकिन वो एक भी बॉल निशाने पे नहीं मार पाती। वहीं शुआनशुआन अपने रूम में मम्मा का ट्रेजर बॉक्स साफ कर रही होती है। चनचन आकर उस बॉक्स को खोलकर दिखाने का जिद करने लग जाता है लेकिन शुआनशुआन उसे मना करती है क्योंकि मॉम ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। दोनों पहले बहस शुरू हो जाती है फिर तो छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो उनकी आवाज सुनकर सोंगहाओ वहाँ पर आ जाता है, चनचन को रोकता है ना अपनी सिस्टर को बुली करने से मना करता है। देन वो चनचन से उसे माफी मांगने के लिए भी कहता है। तो चनचन शुआनशुआन को सॉरी कहता है। तो शुआनशुआन सोंगहाओ को थैंक यू कहती है। तो चनचन डैड से भी ट्रेजर बॉक्स देखने की बात करता है। इस पर सोंगहाओ उसे कहता है कि पहले तुम्हें मम्मा से परमिशन लेकर आना चाहिए। तो चनचन सोंगहाओ को लेकर मम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में सोंगहाओ बिलियर्ड्स रूम में आ जाता है तो उसे देखकर चिशी उसे कहती है तुम्हें बिलियर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बिलियर्ड्स खेलने के लिए सीख रही थी। तो सोंगहाओ कहता है कि जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिलियर्ड्स के बारे में कुछ भी पता है, इसीलिए सोंगहाओ उसे स्टिक पकड़ने के तरीके से लेकर सब कुछ सिखाने लग जाता है। मगर ये तो बस चिशी सोच रही थी तभी वहाँ पर सच में सोंगहाओ आ जाता है जो उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। चिशी उसे बताने जा रही थी मगर सोंगहाओ तो उसकी और गुस्से से घूरे जा रहा था, स्पेशली चिशी ने उस स्टिक को पकड़ा था इसीलिए। फिर वो आकर उससे स्टिक छीन लेता है और उसे साफ करने लग जाता है। चिशी उसे सॉरी कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पर आना या फिर बिलियर्ड्स खेलना। इस पर सोंगहाओ तो उसे अभी भी रूडली कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस पर चिशी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थोड़ा जानना चाहती थी इसलिए यहाँ पर आई थी। इस पर सोंगहाओ उसे फिर से रूडली कहता है कि ये मेरी प्राइवेट जगह है इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो चिशी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। जिस पर सोंगहाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने तय किया था कि हमें बस ग्रैंडपा और बच्चों के सामने अच्छे मैरिड कपल बनने की एक्टिंग करनी है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसन चिशी शॉक्ड होकर पूछती की एक्टिंग, जिस पर सोंगहाओ कहता है हाँ वैसे भी तो हमने बच्चों के लिए ही शादी किया ना, इसलिए जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलने दो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर चिशी तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के क्यूट्स मोमेंट्स झलकते हैं जिन्हें वो अभी तक सच मान कर बैठी थी लेकिन सोंगहाओ के लिए वो सब कुछ तो एक्टिंग था। चिशी तो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या बोले। अब वो अंदर से काफी सैड एंड गुस्से में थी मगर उसके सामने फिर से स्ट्रांग बनकर कहती है कि अगर हमारी शादी सिर्फ एक्टिंग है तब तो मुझे और ज्यादा प्रोफेशनली एक्टिंग करनी होगी ना। इस पर सोंगहाओ कहता है कि अच्छी बात है पर फ्यूचर में तुम इस रूम में कभी मत आना। चिशी गुस्से से जाने लगती है मगर फिर से वापस आकर कहती है कि अब जब हमारी शादी बस एक नाटक है तो हमें इसके रूल्स भी डिसाइड कर लेने चाहिए ताकि कभी बाद में हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस पर सोंगहाओ कहता है कि ठीक है बताओ फिर तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं। इस पर चिशी कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी फ्रेंड के सामने इतने केयरिंग हस्बैंड होने का नाटक किया वैसे ही तुम्हें सबके सामने रहना होगा, जिसके लिए सोंगहाओ मान जाता है। तो चिशी कहती है कि वो उसके पर्सनल लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। सोंगहाओ इसके लिए भी मान जाता है, पूछता है कि और कुछ बाकी है। तो चिशी बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सोंगहाओ उसके फ्यूचर के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस पर सोंगहाओ कहता है कि जब हम एक दूसरे के फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं करेंगे हम दोनों में पास्ट को लेकर भी कोई बात नहीं होगी, इसके लिए चिशी मान जाती है।
सोंगा उसे बॉल्स को रखने के लिए कहकर चला जाता है। वहीं चिशी काफी ज्यादा सैड एंड गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर चंचन आ जाता है। उसे गुस्से में देखकर समझ जाता है कि जरूर डैड ने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो भागकर सोंगा के पास आता है और उसे पूछता है, डैड अपने मॉम को क्यों गुस्सा दिलाया, मैंने उन्हें अभी रोते हुए देखा। तो सोंगा उसे कहता है कि तुम्हें बड़ों के मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चंचन तो डैड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि आपने मेरी मॉम को रुलाया कैसे, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। कहकर वो उसके सारे बुक्स को गिराने लग जाता है, फिर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो सोंगा अपने आप से कहता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक फेक मैरिज है जो उसने सिर्फ बच्चों के लिए किया है। अब वैसे भी उसे ये शादी का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा। अब उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, सोंगा को अभी चिशी के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। दूसरी ओर चंचन अपनी मम्मा के पास आकर कहता है कि वो अपनी मम्मा को पापा के साथ यहाँ पर नहीं रहने देगा क्योंकि पापा बहुत बुरे हैं ना आपको उन्होंने रुलाया। तो चिशी उसे शांत कराते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चंचन कहता है कि नहीं, उनकी हिम्मत कहते हुए आपको रुलाने की, मैं अभी तो पापा को कुछ नहीं कह सकता मगर बड़ा होकर मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटूंगा। जो सुनकर चिशी काफी खुश होते हैं, उसे कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यारा बेटा मिला जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन चिशी उसे कहती है कि वो बाद में पापा से जाकर माफी मांग ले क्योंकि बड़ों से ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो चंचन उससे कहता है कि मुझे आपका ट्रेजर बॉक्स देखना है। तो चिशी उसे अपना ट्रेजर बैग दिखाती है जिसके अंदर लड़कियों के रबर बैंड्स एंड क्लिप्स वगैरह होते हैं जिन्हें चिशी ने अपने हाथों से बनाया था एंड वो पार्ट टाइम इन्हें बेचा करती थी। लेकिन वो सब कुछ देखकर चंचन कहता है कि यहाँ पर तो सारी लड़कियों की चीजें हैं जो मेरे ट्रांसफॉर्मर के टॉय से ज्यादा अच्छे नहीं है। तो चंचन उससे बहस करने लग जाती है कि लेकिन मम्मा ने ये सब अपने हाथों से बनाया है इसलिए ये सब बेस्ट है। तभी चंचन के हाथों से उसका टॉय टूट जाता है जिसे चिशी को ठीक करना नहीं आता था। इस पर चंचन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पापा या ग्रैंडपा को इस बारे में बताऊंगा तो वो मेरे लिए नया खरीद कर ला देंगे। चिशी उसे बताती है कि उसे अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए और उन चीजों की वैल्यू समझनी चाहिए जिसकी वैल्यू वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वो अपनी मेहनत के पैसों से कोई चीज खरीदेगा। इस पर चिशी उसे कहती है कि तुम्हें अपने पैसों से टॉय खरीदना होगा। चंचन कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं कैसे खरीदूंगा। तो चिशी उन दोनों को लेकर एक पार्क जाती है अपनी हैंडमेड चीजों को बेचने के लिए ताकि वो चौंचौन को इन चीजों की वैल्यू सिखा सके। तो चिशी अपना स्टॉल लगा देती है और चंचन और श्वान कस्टमर से बात कर रहे थे। श्वान को पानी पीना था तो चिशी उसे पानी पिलाने लग जाती है। तभी श्वान एक आदमी के पास टॉय देकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। चिशी नोटिस करती है कि आसपास श्वान नहीं दिख रहा तो वो श्वान के साथ मिलकर उसे ढूंढने लग जाती है। वो सारे लोगों से पूछने लग जाती है मगर किसी ने भी उसे नहीं देखा था, इसलिए वो परेशान होकर सोंगा को इस बारे में बताती है। लेकिन थोड़ी देर में चंचन वापस आ जाता है जिसे एक आदमी यहाँ तक लेकर आया था। तो उसे देखकर चिशी की जान में जान आती है। लेकिन घर पर सोंगा चिशी को बहुत ही ज्यादा डांटता है बच्चों को ऐसी जगह ले जाने के लिए। चिशी उसे समझाने जाती है मगर सोंगा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता जिस वजह से चिशी भी उस पर गुस्सा करती है और वो सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। तो सोंगा वो बाहर आता है जहाँ सीढ़ियों के पास उसे चंचन बैठा हुआ देखता है। तो चंचन रोते हुए डैड से कहता है कि डैड प्लीज अब मम्मा को मत डांटो, गलती मेरी थी, मैं खुद एक टॉय को देखते हुए उसके पीछे चला गया था। जिस सुन सोंगा को अब थोड़ा बुरा लगता है तो वो चंचन को सोने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो श्वान से मिलने जाता है जहाँ श्वान से उसे सारी बातें पता चलता है चंचन के टॉय तोड़ने से लेकर पार्क में उसके गायब होने तक। तो अब उसे चिशी को डांटने के लिए गिल्टी फील हो रहा था। तो इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।